दिस इज़ एडी। आज लेके आया हूँ मैं एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए, माइक के लेके दो वीडियो पहले डाल चुका हूँ, थर्ड वीडियो है जो इसके बाद वीडियो नहीं आएगी क्योंकि ये माइक है बेस्ट। थोड़ा सा महंगा है बट यार ये है बहुत बढ़िया माइक, बोया का माइक है ये। सो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सीधा माइक की करते हैं, अब हम ओपन करते हैं माइक को और लगाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ। फिर आएंगी आप पर्टिकुलर वीडियो, रोज़ वीडियो आएंगे आप, रेगुलर वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आती रहे। सो आप इन्जॉय करो सीधा वीडियो। हाँ जी गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है एक माउंट जो सेम ऐसा है, ये वाला तो मेरे पास पहले था, ये सिंपल मंगवाया ब्लॉगिंग के लिए। सो पहले सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, इसमें है नहीं कुछ, इसको करते हैं जी साइड। ये है जी, आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे यार, छोटी सी वीडियो में ही ख़त्म करते हैं काम और फटाफट खुल जाए ये। आधी मजा सा टकली। ये है जी छोटा सा माउंट, ये लगेगा इसमें सीधा हेलमेट में। हेलमेट के लिए मंगाया क्योंकि यार मेरे पास ये वाला था तो इसकी ज़रूरत थी नहीं। तो इसमें एक कार्ड आता है इनका, तो इसको करते हैं साइड। ये दिखा दिया आपको, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है मेन जो माइक मैंने मंगाया है भाई, इस पर पैसे आज खर्च दिए हैं और मतलब कि ये सबसे महंगा माइक आया है और इसके ऊपर खर्चे हैं सबसे ज़्यादा पैसे। बाकी जितने भी माइक आए ना मैं सेटिस्फाई हुआ नहीं, बट ये वाला माइक है बेस्ट। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सफ़र का बाण ख़त्म। आप भी देख रहे होंगे मैं कितनी वीडियो डाल ली जा रहा हूँ यार, मैं माइक मंगाता हूँ अच्छे भी होते हैं बट क्या करेंगे यार, अभी ये होते ही ऐसे है भाई। देखो पैकिंग कितनी प्यारी दी है इन्होंने, ये भी मैंने फाड़ दिया अंदर से। ओ शुक्र माइक नहीं फटा। ओहो हो, ये करते हैं जी साइड थोड़ा सा। ये आया जी माइक, सबसे प्यारा माइक है और इतना प्यारा लगेगा ना, आप ब्लॉगिंग कहीं पर करोगे ना तो लोग देखेंगे भी तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ कि कोई अच्छी चीज़ बंदा लेके चल रहा है साथ में और अच्छा भी लगता है। इसको सबको करते हैं फटाफट साइड में। ये हो गया जी साइड में, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले जी ये पैकिंग की है इन्होंने, ये कुछ नहीं है पैकिंग वैकिंग तो ऐसे ही मतलब बंद किया है। खोलते हैं इसको फटाफट, खुल जा मेरे भाई। चलो जी, बोया की एक बात है, पैकिंग इनकी इतनी प्यारी होती है ना भाई कि आप पैकिंग ही देख के खुश हो जाओगे इनकी। ये लो जी, और यहाँ से ओपन करते हैं सीधा। हाय 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 हाय, क्या बात है क्या बात है, देख कितना प्यारा लग रहा है यार ये। ये देखो आप कितना ज़्यादा प्यारा है, मतलब ये चीज़ ना सबसे प्यारी है क्योंकि लोग देखते हैं ना तो इससे ज़्यादा अट्रैक्शन पड़ते हैं कि यार एक ब्लॉगर जा रहा है कितना प्यारा लगता है। वो पहले मैंने लगाया उससे मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। सो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, मैं फटाफट फिटिंग करूँगा इसकी और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में जी वही दो ये स्टिकर मिले हैं, एक मीनू मिला है, एक इसका वारंटी कार्ड मिला है, बॉक्स है, बॉक्स में इसमें पाते हैं। और जी चलो जी, ये है मेन चीज़। सो मेन चीज़ पे फोकस करते हैं। सो सबसे पहले निकालते हैं जी, ये है जो हमारा बोया का है माइक जिसके साथ ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड होंगी। सो बाय वन MM1 का है ये, सबसे बढ़िया माइक है इनका, ये बोया का, बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आता है जो नॉइज़ कैंसिलेशन करता है, सबसे बढ़िया चीज़ है जो ये, ठीक है जी। उसके बाद ये म्यूट करने के लिए, इसको हमारे माइक को म्यूट करने के लिए आता है। सो उसके बाद ये वायर्स आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये सस्ता नशा भी हमेशा आता है, और साथ में एक कवर कैरी करने के लिए, थोड़ा आपकी बार कवर होगा बड़ा क्योंकि माइक है बड़ा। उसके बाद एक कुछ नहीं है, छोटा मोटा ही है। इन सबको करते हैं जी साइड। अब ये है मेन चीज़ जो है, सो इसको हम म्यूट कर माउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, इसमें आती हैं दो केबल्स और आप ना इसमें पढ़ लेना जिसके ऊपर लिखा होगा ना यहाँ पे स्मार्टफोन, ठीक है जी, माइक्रोफोन। सो ये वाला है फ़ोन के लिए, ये है कैमरा DSLR के लिए। सो अभी DSLR तो देखो खरीदा नहीं, गरीब आदमी है हम। सो अभी है हमारे पास फ़ोन। सो सबसे पहले है ये चीज़, ठीक है जी। सो मैंने जो चीज़ परचेज़ करी थी, मैंने आपको बताया था ना कि वो चीज़ ज़रूरी है, ये वाली चीज़। इसमें ये चीज़ ना माउट होती है यहाँ पे, इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको माउट करोगे तो ये हिलेगा नहीं, और आपका जो है कैमरा है जो आपका, ये देखो यहाँ पे माउट हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह मतलब माउंट रहेगा। अभी इसकी सेटिंग करते हैं फटाफट। सो सबसे पहले तो जी करते हैं इसकी सेटिंग, यहाँ पर इसको फंसाते हैं धीरे से, पहले तो लगाते हैं यार ये, कभी बाद में लगे ही ना, ठीक है जी। उसके सो गाइस, ये इसमें हो गया माउंट, अब लगाते हैं ये वाला माउंट। सो इसको थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे लगेगा ये, इसको करते हैं फिक्स। लो जी, ये हो गया फिक्स। अब बारी आती है यहाँ पे इसको म्यूट माउंट करने की। सो जैसे आपने फ़ोन लगाना है उसी हिसाब से इसको माउंट कर लेते हैं जी, और बाद में इसको कर देते हैं यहाँ से टाइट। इसको टाइट करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कई बार ब्लॉगिंग करते हुए हाथ में से छूट जाए, कुछ भी हो जाए। सो उसके बाद जी इसमें आपने लगाना है या अपना फ़ोन के लिए गोरिल्ला माउंट। सो ये माउंट लग गया है,
उसके बाद क्या आता है, ये केबल, केबल आपने यहाँ पे लगानी है, एक फ़ोन में लगानी है और आपका सेटअप है तैयार। अब इससे करके दिखाता हूँ मैं आपको रिकॉर्डिंग, जो भी वॉइस इसके बाद आएगी इससे आएगी, सो आप बताना कैसी वॉल्यूम आ रही है, कैसा परफॉर्मेंस है। सो अभी आईफोन से करेंगे, सो आईफोन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो इसकी एक केबल आती है, ये वाला कनेक्टर आता है, ये खरीद लेना, 900 रुपये का आता है, ओरिजिनल लेना, डुप्लीकेट मत लेना। सो अब अगली रिकॉर्डिंग करते हैं, कहता हूँ सिंपल ब्लॉगिंग करके इससे और इस माइक से, जो भी टेस्टिंग होगी इससे होगी। अब मुझे बताना कैसी लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ जी गाइज, सो ये पड़ा है हमारा माइक, जो आज माइक आया था, सो इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। जो भी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इसी माइक से कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादा लाउड भी नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा आराम से भी नहीं बोल रहा हूँ। सो ये है माइक, तो इसका रेट 1500-1600 रुपये का आता है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी गाइज, जितनी भी रिकॉर्डिंग अब हो रही है वो हो रही है बोया के MM1 से, सो आप चेक कर सकते हो कैसा लगता है माइक, लुक्स वाइज बड़ा प्यारा लगता है। और आपको मैं अभी इसकी फ़ोटोज़ भी डालूंगा बाद में, कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है यार, ब्लॉगिंग करता है ना बंदा, सो एक ना प्रोफेशनल सा लगता है जब आप एक ब्लॉगिंग सेटअप लेके चलते हो। सो जी, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाती रहेंगी, क्योंकि माइक आया है आज, सो आज से ही मैंने इसको इसकी टेस्टिंग कर लिया है। सो अब ब्लॉगिंग करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि माइक मेरे पास था नहीं, मैंने रिटर्न डाल दिए थे सबको। सो अब ये वाला माइक रहेगा, क्योंकि इसकी वॉइस है बहुत अच्छी। सो टाटा बाय, मिलते हैं ऐसे किसी नवी वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे मुझे कर लेना फॉलो। टाटा बाय।